भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद किया। और जीतना जीतना हारना बहुत देखा है लाइफ में। हमने शो बनाया यहाँ पे, रोज बच्चे हारते जीतते थे। सालों के बाद हमने कम्पीट किया और वो फीलिंग भूल गए थे कि हार और जीत की फीलिंग क्या होती है खुद पर। तो जब इसमें जीते तो हम वापस चले गए अपने स्कूल डेज में जहाँ पे कम्पीट करते थे हम, और वो फीलिंग वापस आ गई कि यार जीतने पे ये फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है। जीतने, आई मीन इट फील्स वेरी गुड, स्पेशली हमारे लिए बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पावा कपिल में नाविद को रिकॉर्ड रैम्बो का जो एक खिताब मिला है अरबाज भाई से, एंड बिकॉज एवरी सिंगल मेल टेस्ट वो जीते हैं, मगर और मैंने भी बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट किए, तीन नहीं कंप्लीट कर पाए। नहीं, बहुत हाउएवर अच्छा किया भाई, इंडिविजुअल, थैंक बहुत यू, अच्छा किया। इंडिविजुअल टेस्ट में हम बहुत आगे थे, मगर कपल टेस्ट में हमारी वीकनेस थी, क्योंकि मुझे उठाना पड़ता है, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ गए थे जो हम नहीं कर पाए, और एक सिचुएशन में नावेद को थोड़ा डर लग गया था, सो थोड़ा कपल्स टेस्ट हमारा वीक एरिया था, तो मेंटली हम प्रिपेयर हो गए थे कि हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि शावर और मर्सेला का स्ट्रेंथ जो है वो कपल्स टेस्ट और एंड बिंदु बिंदु दीना का भी कपल्स टेस्ट, वो का हमेशा जो कपल्स टेस्ट स्ट्रेंथ जीत कपल्स जाते टेस्ट थे जीत जाते थे, और हम लोग कपल्स टेस्ट में थोड़ा वीक थे, वीक थे, हार थोड़े जाते हुए हैं हमारे और थे। थोड़े नहीं भी हुए हैं, लेकिन जो हमारी वीकनेस थी वो फिनाले में हमारी स्ट्रेंथ बन गई, बिकॉज स्ट्रेंथ हमने बन सोचा कि गए यार इसमें हमको करना ही करना है। पूरी, आई मीन कोशिश तो हम हर वक्त करते थे, मगर आई डोंट नो ऊपर वाले का साथ था, आई थिंक दिस इज ऑल किस्मत, हार में भी ऊपर वाले का एक रीजन होता है, जीत में भी ऊपर वाले का एक रीजन होता है, और इधर हमारी जीत में उनकी एक रीजन थी, सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यूअर्स, सपोर्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स हु आर प्रेइंग एंड चीयरिंग फॉर अस, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। अच्छा, जब आप फिनाले में गए थे तो आपने अपने तरफ से क्या कुछ खास प्रिपरेशन की थी फिनाले के लिए? दुआ खास प्रेपरेशन तो कुछ करी नहीं, हाँ दुआ करी दुआ करी, और बोला आप अपना बेस्ट देंगे, अगर हार गए हार गए, वही जीत प्रिपरेशन गए था जीत गए। हमारा। और हाँ, जीत का तो हम लोग सोच ही नहीं थे, सोचा कि जीतेंगे नहीं, लेकिन वो जीत गए जीत गए। अच्छा, जीत की खुशी के साथ साथ होली भी आ रही है, तो होली को किस तरह से आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं? हर साल किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और इस साल क्या कुछ खास करने वाले हैं? ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते होली, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं कभी। संजय गुप्ता हैं हमारे दो, तो अपने घर पे होली की पार्टी रखते हैं, तो हम हम उनके घर मतलब जाते हैं, हाँ मेरे राखी ब्रदर हैं संजय गुप्ता, और हम उनके घर जाते हैं और बहुत मजा आता है, वो सबसे पहले तो सबके ऊपर एंट्रेंस में वो वाटर स्प्लैश होज करते भाई, हैं होज होज से, वो भी होज से, तो पूरा हम एंटर ही होते हैं उनके पार्टी में भीगे हुए, और इट्स अ लॉट ऑफ फन, हर साल हम उनकी पार्टी में जाते हैं, और सब इट्स अ फैमिली थिंग, बच्चे होते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं, इट्स सो मच फन, खाना पीना दिन भर चलता है। हाँ इट्स इट्स अ और लॉट ऑफ फन, वो जैसे पिक्चर में जो बेस्ट पिक्चर बिशुम बिशुम वाली वही बनाते हैं, तो होली के दिन वो पानी से हमें पूरा बिशुम बिशुम कर देते हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एवरी होली विद संजय गुप्ता एंड अनु गुप्ता, इज अ लॉट ऑफ फन। इसके अलावा कोई बचपन की यादें हैं जो शेयर करना चाहे? बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते थे आप होली? बचपन में हम होली, हमारे एरिया के पूरे इलाके के बच्चे आ जाते थे, एक बिल्डिंग में सब जमा हो जाते थे, और सुबह सुबह उठ जाते सब 5:30 बजे। 5 बजे उठने के बाद हम लोग फुग्गे लाते थे, फुग्गों में पानी भरना शुरू करते थे, और पूरे फुग्गे एक ड्रम में पूरा भर देते थे हम, और ड्रम्स रेडी करके सब बच्चे नीचे लेके आते थे, और वो फुग्गे शुरू हो जाते थे फेंकना। जब वो फुग्गे खत्म होते थे तो रंग शुरू होता था, रंग शुरू हो खत्म होता था तो ऑयल पेंट शुरू होता था, ऑयल पेंट खत्म होता था तो हम लोग समंदर के पास चले जाते थे, समंदर में सब भीगते थे नहाते थे, तो वो सब चीज़ें होती थी। एक बार याद है मुझे, मेरे वो ऑयल पेंट का एक डब्बा होता था छोटा सा, ऑयल पेंट का डब्बा खोलते थे, उसके ढक्कन के नीचे उसका पेंट का कुछ उसमें पेंट होता था और अंदर ऑयल होता था, और ढक्कन खोल के उसमें से का पेंट वो छोटे वाले में डालने का था बड़े वाले में, उसको मिक्स करने का, तब वो ऑयल पेंट बनता था। तो जो छोटा वाला ढक्कन था वो किसी ने फेंक दिया था, और छोटा वाला ढक्कन था, खेलते खेलते वो छोटे वाले ढक्कन पे मेरा पैर चला गया, तो पूरा पूरा अंदर घुस गया था मेरे पैर में, अभी तक मुझे अभी तक याद है। और क्योंकि होली थी तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा बांधा और पूरी होली खेली, और समंदर में जाके नहाए भी हम लोग, और उसके बाद बोले डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे को कुछ 10 स्टिचेस आए थे उसके पैर में, अभी तक है उसका निशान, चांद बना हुआ पूरा। ग्रोइंग अप मैंने कभी अमेरिका में होली नहीं खेली, अब तो अमेरिका में होली इज लार्ज, इट्स कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड सब खेलते हैं, मगर ग्रोइंग अप इतना अवेयरनेस नहीं था, तो यहाँ आने के बाद तो मैं
बहुत मुझे पसंद है होली. आई लव ऑल द कलर्स और मैं बहुत शौक से खेलती हूँ मेरे राखी ब्रदर के घर पे. जी, कलर्स के अलावा स्वीट्स भी काफी बनाए जाते हैं होली के समय में, तो स्वीट्स कितने पसंद है आपको? हाँ, मिठाइयाँ हैं, होली में मिठाइयाँ होती हैं और मिठाई का मुझे ज्यादा शौक मुझे नहीं है, इनको है तो चॉकलेट्स का शौक है. आई थिंक हमको ना कोई एकदम लाइक चॉकलेट वाली मिठाइयाँ मिलती है मगर कुछ एलैबोरेट इन्वेंट करना चाहिए ना. ये चॉकलेट भी मिठाई होता है. हाँ, तो मिठाई मिठाई चॉकलेट भी मिठाई है समझो, अंग्रेजी मिठाई. मिठाई हम इन्वेंट करते हैं. क्या मिठाई इन्वेंट करनी है आपको? पता नहीं, समथिंग विद लाइक डार्क चॉकलेट एंड आलमंड्स. नावे जी, सईदा जी ने कभी आपको प्रिपेयर करके कुछ खिलाया, मतलब कोई मिठाई अगर प्रिपेयर? मिठाई बनाई थी उन्होंने एक बार, मच्छी फिश के अंदर चॉकलेट डाल के, न्यू डिश थी मच्छी वाली चॉकलेट. कैन यू टॉक अबाउट हाउ डोमेस्टिकेटेड आई एम? नहीं, बहुत नहीं, खाना किसी को लगता ही नहीं है. अरे भाई, खाना जो ये बनाती हैं, ये कॉन्टिनेंटल हो या इंडियन हो, ए वन होता है. बिरयानी इनकी खाइए, पाया आपका, सब्जियाँ आपके, निहारी आपका, कोरमा, कबाब, प्लस कॉन्टिनेंटल डिश, बेक डिशेस आपके, रोस्टेड डिशेस, वो खाने में माहिर हैं एक्चुअली. एक होटल खोल सकते हैं. थैंक यू नावे. अच्छा, पावर कपल तो जीत चुके हैं, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो शेयर करना चाहे, क्या कुछ करना चाहेंगे आगे, कुछ सोचा है इस बारे में? भाई अभी सोचा कुछ नहीं है, मेरे खुद का प्रोडक्शन है, बू प्रोडक्शन, क्योंकि हम बू करते हैं तो सब हमको बू से जानते हैं, तो वो मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया बू प्रोडक्शन. अब इस प्रोडक्शन के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, चैनल को अप्रोच किया हुआ है, अलग अलग आइडियाज़ दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को, अब बातें चल रही हैं. अब देखिए, जल्दी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आने वाला है और हम ओपन भी हैं, बाहर अगर कोई अच्छा होस्टिंग आए, कोई फिल्म आए तो काम भी करेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन बू प्रोडक्शन की पहली प्रायोरिटी क्या होगी, छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा? बू प्रोडक्शन की पहली प्रायोरिटी है छोटा पर्दा, उसके बाद बड़ा पर्दा डेफिनेटली. इसके अलावा आप दोनों कहीं फीचर करते हुए दिखाई देंगे हमें, कोई फिल्म में या फिर कोई सीरियल में? अभी हम में आप ले सकते हैं, फिल्म में, सीरियल में, आप हर चीज में, हर चीज में हम रेडी हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली करेंगे. बाय वन गेट वन फ्री भी है मगर अलग अलग भी करते हैं. बाय वन गेट वन फ्री नहीं होगी, ये बाय वन गेट वन फ्री आया. या तो इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा कोई पर्टिकुलर जॉनर सोचा है, कोई जॉनर में जो आप? देखिए, सारे जॉनर में हम एक्सपर्ट हैं, बट हमारा जो जिस जॉनर से हमको लोग जानते हैं वो है डांस, म्यूजिक, कॉमेडी, तो वो एक हमारा फोर्टे है. ऐसा नहीं, हॉरर भी फोर्टे है हमारा और अच्छी कहानियां भी हैं, सिटकॉम भी हैं, तो हम ओपन हैं, वी आर ओपन. अच्छा, जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि आपके आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे, दुआ करिए हम जल्दी आएंगे और अच्छा अच्छा काम करके आएंगे और आपको, वी वॉन्ट लेट यू डाउन, अच्छा अच्छा आपको अच्छे अच्छे शो बना के देंगे और जिनमें आप बोर नहीं होंगे. ऑडियंस के लिए एक गाना हो जाए होली का. होली का गाना आप दोनों साथ में? होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्त तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं. होली है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.